दान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी टॉपिक पर हम लोग आज फिर शिवम जी हमारे पास आए हैं ऑफिस में, इनसे भी चर्चा करते हैं कि दान जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारे भारतीय संस्कृति का, तो उसके लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है और रखना चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि दान करते समय जब हम लोग किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमें दान करने के लिए कहा जाता है जो भी हमारे ग्रह खराब होते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें दान करने से नेगेटिव असर भी आ सकते हैं, और कई बार दान करना ही नहीं आता, दान करने की विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी सभी को। दान करने के अलग अलग विधि हैं वरुण जी, बिल्कुल। जैसे कईयों को दान देना अच्छा होता है, कईयों को दान ना देना अच्छा होता है, और कईयों को किस तरह से दान देना है, किस तरह से नहीं देना, दान दिन को देना, शाम को देना, सबके अलग अलग चीजें। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य सातवें घर में है, ये खराब है, उनके लिए दान सुबह शाम का बिल्कुल ही मना है। और कई दान ऐसे हैं जैसे हम देते हैं, उनके कोई आया हमें कोई चीज गिफ्ट आ गई है, उसके रिटर्न गिफ्ट देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसे आप भी लोगों को बताइए और जैसे मैं भी। जैसे बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा हो या पक्के घर का हो, स्पेशली पांचवें में तो उन्होंने कहा है कि मुफ्त में लंगर भी ना खाएं, क्योंकि मुफ्त में लंगर खाना या मुफ्त माल से परहेज, जो प्रॉपर वर्ड यूज किया गया है वो है मुफ्त माल से परहेज। मुफ्त माल यानी कि चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो किसी से वैसे ही बदनीयत से लिया गया पैसा हो या वैसे ही मुफ्त माल हो, तो मुफ्त माल से परहेज का मीनिंग है कि बृहस्पति को मंदा करना। जब आप किसी से कोई भी चीज खरीद लेते हैं या अगर मान लीजिए लंगर खाना है तो उसमें कुछ डोनेट जरूर करें, ये नहीं कहा कि लंगर खाएं ही नहीं, ये कहा है कि उसमें कुछ डोनेशन दे के फिर खाएं, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती रहे। आप देखिए बृहस्पति पांचवें में ये मुफ्त माल से परहेज क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सूर्य का घर है और सूर्य को राजा माना है, तो वहां पर किस्मत जगाने वाला ग्रह भी सूर्य होता है, तो इसलिए सूर्य बने रहने को कहा गया है। मींस कि सूर्य हमेशा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेने के लिए नहीं। तो जब भी आप किसी से भी मुफ्त माल लेते हैं या मुफ्त में कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अपने सूर्य को कमजोर कर लेते हैं। तो सूर्य को कमजोर करना मींस कि पूरी कुंडली को कमजोर कर लेना। और बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, आपकी एक्सपेंशन। तो जब आप किसी से मुफ्त माल लेना शुरू कर देते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपकी कुंडली बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में आनी शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कहीं से कोई भी चीज आती है तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, मींस कि उसके एवज में कुछ ना कुछ सामने वाले को जरूर दिया जाए। चंद्र 11 में भी शिवम जी लिखा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग इस तरह के दान, तांबे के सिक्के का दान मना है, ठीक है ना। तो वो सब पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, प्रिकॉशनरी। देखिए वरुण जी, इनमें क्या है कि दान अलग अलग प्रकार के, बिल्कुल। जैसे बृहस्पति 8 का, हाँ। मान लीजिए कोई ग्रह आपका उच्च स्थिति में है तो उसका तो दान आपको देना ही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपका कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल। और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पक्का रख रखा है कि हम शनिवार को तिल माल जी देना ही देना, देना ही देना, बिल्कुल। तो वो आदमी के पास जैसे कि तरक्की लिखी बहुत हुई है तो वो कम होती रहती है, कम हो जाती है, नाम मात्र की, जैसे ठीक है घर का खर्चा पानी अच्छा चलता है। और कईयों को दान देना ज्यादा फलता है, और ये सब चीजें ग्रामेटिकल रूल के बिहाफ पर, बिल्कुल। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या दान दे, इवन के कई बार ये सामान से ज्यादा जो सामान हम देते दाल, बिल्कुल, ये चीजें भी, ये तो एक अलग मैटर है, कई बार तो आपके खुद का पाया कपड़ा दान नहीं दे सकते, बिल्कुल, ठीक है वरुण जी, बिल्कुल। बृहस्पति सातवें घर में जैसे उन्होंने कहा है कि अपने कपड़े भी मुफ्त में दान ना दें, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सूर्य मंगल इकट्ठे हो या सूर्य नौवें में हो तो उन्होंने कहा है कि चांदी का दान मत लें, यानी चांदी की गिफ्ट आइटम्स भी ना लें। अब उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बृहस्पति में कि चने की दाल दान करें, मंगल शनि में उन्होंने लिखा है आठवें या नौवें घर में हवन कराएं लेकिन दिखावा, ठीक है। तो दान जब हमने करना है तो जब दान वर्ड यूज होता है ना तो उसमें बृहस्पति यानी कि एक अच्छाई का असर है जो कि दिखावे से कनेक्टेड नहीं है। जब भी दान करना है दिखावा नहीं होना चाहिए। ये दान कर्म और धर्म ये दोनों की अलग अलग कैटेगरी में है, इनकी अलग अलग महत्व होता है, बिल्कुल। कर्म
ये है कि जो आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब पर पता लग रहा है, और धर्म वो है कि जो आपका गुप्त दान है, गुप्त दान, और वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने दान दिया है, फोटो क्लिक करा के आपने सोशल नेटवर्क पर डाल दी, वो बिल्कुल भी आपके असरदार नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप दिखावा जोड़ देते हैं किसी भी तरह के दान से, तो उस दान का रिजल्ट नहीं आता। इसलिए जितना हो सके उतना गुप्त रखकर, चुप करके, शांति से, बिना किसी को दिखाए, समझाए, बताए दान किया जाए। इवन जो किसी भी उपाय करने की विधि है ना, वो ऐसे होती है कि आप जब उपाय करने जाओ तो किसी को नजर भी ना आए कि हमने कब उपाय किया, क्या उपाय किया, कहाँ उपाय किया। किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बता देने से उसके इफेक्ट्स में कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कोई चीज जो हमें मना है दान लेना या दान देना, तो सबसे पहले तो मैं यही आपको बोलूंगा कि किसी से कोई चीज मुफ्त में ना ही ली जाए, क्योंकि आपका सूर्य कमजोर होगा। और जब आपने कोई चीज दान देनी है तो राजा समान दीजिए, मतलब कि किसी को दिखावा किए बगैर, तो तभी वो दान होगा। सेकेंडली, जो आपकी कुंडली का बेनिफिशियल प्लैनेट है और आपके प्रोफेशन से रिगार्डिंग प्लैनेट है। तीसरा, जो आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह है, उन ग्रहों के संबंधित किसी भी चीज का दान ना करें। और जो प्लैनेट आपकी कुंडली में नॉन बेनिफिशियल है, आपको नुकसान दे रहा है, उस ग्रह का दान दिया जा सकता है। क्यों शिवम जी? जी बिल्कुल। इसके अलावा कई बार कुछ एक केसेस में बिल्कुल भी दान करना मना कर देते हैं। तो इन सब चीजों का कुंडली टू कुंडली डिफरेंस आता है। कुंडली दिखाकर ही दान करें। और जैसे कि गाय की सेवा या किसी भी गौग्रास का जो कॉन्सेप्ट होता है, गाय की, कुत्ते की और कौवे की रोटी जो निकलती है, उसमें हर्ज नहीं है। किसी को कुछ खिला पिला देने में कोई हर्ज नहीं है। आप रोटी खिलाइए, सेवा करिए, गऊ की सेवा करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दान करना है वो कुंडली दिखा करके करें। आप अपने बेनिफिशियल प्लैनेट का दान करके नुकसान के भागीदार ना बने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। दोबारा फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।